बिहार के गया जिले में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली का पिंडदान किया गया। भारत के पूर्व वित्त मंत्री सह भाजपा के वरिष्ठ नेता स्वर्गवासी वरुण जेटली का गया में मंगलवार को पिंडदान किया गया। उनका पिंडदान उनके बेटे रोहन जेटली द्वारा विष्णुपद मंदिर स्थित देवघाट के समीप हनुमान मंदिर के प्रांगण में किया गया। रोहन जेटली के साथ उनकी मां संगीता जेटली भी मौके पर मौजूद थी और पूरे धार्मिक विधि विधान से रोहन जेटली के द्वारा अपने पिता स्वर्गवासी अरुण जेटली का पिंडदान व श्राद्ध कर्मकांड किया गया। इस मौके पर बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा सहित कई नेतागण वहां मौजूद थे। वही इस मौके पर मौजूद स्थानीय पंडा अमरनाथ मेहरवार ने बताया कि भारत सरकार के पूर्व वित्त मंत्री स्वर्गवासी अरुण जेटली का पिंडदान उनके बेटे रोहन जेटली के द्वारा किया गया है। मुख्य रूप से फल्गु घाट, हनुमान मंदिर, विष्णुपद मंदिर प्रांगण, शिला व अक्षयवट पिंडवेदी पर उनका पिंडदान कराया गया। ऐसी मान्यता है कि गया जी में पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और यही वजह है कि देश दुनिया से लोग यहां आकर पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करते हैं। माननीय अरुण जेटली जी जो शरीर छोड़ चुके, शरीर शांत हो चुका, स्वर्गीय अरुण जेटली जी के पुत्र हैं रोहन जेटली जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संगीता जेटली जी और संगीता जेटली जी के भाई साहब आए हैं अपने पितरों का पिंडदान करने के लिए। यहाँ तो पिंडदान का ऐसे माना जाता है कि समस्त पितरों का पिंडदान किया जाता है, लेकिन मूलतः स्वर्गीय अरुण जेटली जी पूर्व वित्त मंत्री उनके पिंडदान के लिए उनकी पत्नी और पुत्र आए हुए हैं। यहाँ का मंदिर का कार्यक्रम भी आ गया नहीं? अभी जो है सो यहाँ फल्गु घाट से शुरू किया है इन्होंने। फल्गु भगवान विष्णु का मंदिर, सीताकुंड, प्रेतशिला और अक्षयवट, ये पांच जगहों का पिंड का इनका कार्यक्रम है। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।